नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। गत रविवार को सुबह साइंस कोर मैदान के पास हुए सड़क हादसे में शिरसगांव कस्बा के 9 वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाने के बाद उठे सवालों के कारण शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बस सेवा फिटनेस को लेकर बंद कर दी गई थी। जब तक आरटीओ कार्यालय से इन सभी बसों की पूरी तरह जांच कर हरी झंडी नहीं दी जाती, तब तक इन बसों को बंद रखने के आदेश अधिकारियों द्वारा दिए गए थे। इसके मुताबिक सिटी बस के ठेकेदार महेश साहू ने सभी सिटी बसों की आरटीओ कार्यालय से दोबारा पूर्ण जाँच करना शुरू किया था। 5 दिन बाद 8 सिटी बसों की जांच पूर्ण होने के बाद उसे शनिवार 20 जुलाई से सड़कों पर उतारा गया है। इस कारण शालेय विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। अमरावती मंडल ने सर्वप्रथम यह खबर प्रकाशित कर अधिकारियों की लापरवाह कार्य प्रणाली को उजागर किया था। तत्पश्चात ही संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए। इस बारिश के सीजन की पहली झड़ी शनिवार को बुल्ढाना से लेकर गोंदिया तक समस्त विदर्भ में दिखाई दी, जिससे अनेक गांवों का भले ही सड़क संपर्क टूट गया और कई भागों में अतिवृष्टि होने के समाचार भी मिल रहे हैं। दोपहर को मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती तहसील के ब्राह्मणवाड़ा भगत में एक व्यक्ति उफनते नाले में बह गया, जिसकी सूचना मिलते ही राहत व बचाव दल हरकत में आया। अशोक कृष्ण राव रहाटे नामक 60 वर्षीय व्यक्ति की खोजबीन शुरू कर दी गई। उधर पूर्वी विदर्भ के चंद्रपुर जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी रहने के चलते वर्धा, पैनगंगा, उमा, इरई व झारपट नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नागभीट तहसील में बाढ़ देखने गए शालेय विद्यार्थी सहित 2 लोग बह गए। वहीं उमा नदी में आई बाढ़ का पानी चिमूर शहर में घुस गया। इसके अलावा इरई बांध जल निकासी शुरू रहने के चलते कई इलाकों में पानी भर जाने के चलते उनका दूसरे क्षेत्र से संपर्क टूट गया। चांदूर बाजार तहसील में बारिश का कहर जारी है, नदी नाले उफान पर है। ऐसे में देउरवाड़ा गांव के पास बहने वाली मेघा नदी भी उफान पर है। नदी पर से पुल का निर्माण न किए जाने के कारण नदी में बाढ़ आने पर आपात स्थिति में ग्रामवासियों को जान हथेली पर लेकर नदी पार करनी पड़ रही है। ऐसी एक घटना आज देउरवाड़ा में देखने मिली, जब मेघा नदी में बाढ़ आने से एक 95 वर्षीय बीमार वृद्ध महिला को बैलगाड़ी से नदी पार कर दवाखाने ले जाना पड़ा। चांदूर बाजार तहसील में शुक्रवार और शनिवार की घनघोर बारिश की झड़ी ने अनेक गांव में खेती किसानी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कपास, तुअर, सोयाबीन, संतरा का बड़े प्रमाण में नुकसान होने से तहसीलदार रुनय जकुलवार ने पंचनामे के निर्देश दिए। जिन गांवों में काफी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं, उनमें माधान, सोनोरी, ब्राह्मणवाड़ा, थड़ी शामिल है। लगातार बारिश होने से फसलें डूब गई है, कई भागों में फसलें बह गई है। किसान चिंतित हो गए है। आज और कल में पंचनामे शुरू करने की जानकारी है। फैजपुरा जोन क्रमांक 3 अंतर्गत सिद्धार्थ मैदान के पास गौतम कुरवाड़े के घर की दीवार आज बारिश की झड़ी के बीच गिर गई। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, तथापि पूरा घर जर्जर हो जाने से मनपा का अतिक्रमण दस्ता वहां पहुंचा था। मनपा में नई उपायुक्त माधवी मडाई द्वारा शुक्रवार को इतवारा बाजार के प्रत्यक्ष अवलोकन पश्चात दिए गए नाली के ऊपर के कंक्रीट अतिक्रमण तोड़ने के आदेश का आज प्रशासन ने भारी बरसात में पालन किया। कई पक्के अतिक्रमण जेसीबी से तोड़े गए। लोगों के विरोध को उड़न दस्ते ने साफ नजरअंदाज किया। अतिक्रमण विभाग और स्वच्छता विभाग ने यह कार्रवाई की। सफाई कामगार रहे प्रभागों में बीट ट्यून के रूप में सुपरवाइजरशिप करने वाले करीबन 50 लोगों को तत्काल कार्यमुक्त किया गया है। इसमें से 44 सफाई कामगार यह स्वच्छता विभाग के तहत 22 प्रभागों में तथा शेष कामगार यह सामान्य प्रशासन शिक्षण विभाग सहित जोन क्रमांक 3 और 4 में कार्यरत है, जबकि एक कामगार की तरफ स्वास्थ्य निरीक्षक पद दिया गया है। मनपा क्षेत्र की जर्जर इमारतों का मुद्दा फिर एक बार गरमाने लगा है। मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट अंतर्गत आने वाली जर्जर इमारतें मालिकों द्वारा गिराने और इन इमारतों की संरचनात्मक रिपोर्ट मनपा को प्रस्तुत करने की नोटिस दी गई है। रिपोर्ट न देने वाले संचालकों को संभावित घटना के लिए दोषी ठहराया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया। शिवसेना उबाठा के पक्ष प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन उपलक्ष में धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में कल 21 से 27 जुलाई दौरान विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी जिला बैंक उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे पाटिल ने दी। आज दोपहर बैंक कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में ढेपे के साथ संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी, जिला प्रमुख मनोज कड़ू, उप जिला प्रमुख राजेश पांडे, गजानन खोडे, युवा सेना जिला प्रमुख स्वराज ठाकरे, तहसील प्रमुख प्रमोद कोहले भी उपस्थित थे।
27 तारखेला आमचे पक्षप्रमुख आमचे कुटुंबप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उद्धव साहेबांचा वाढदिवस असल्यामुळे आम्ही 21 ते 27 हा सप्ताह उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा करण्याचा माणूस पक्षाच्या वतीने अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने साजरा करण्याचा ठरवलं आणि त्यानिमित्तानं आमचे संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी जिल्हा प्रमुख मनोजभाऊ कडू स्वराज ठाकरे प्रमुख गोकुळ नाजी पांडे सर्व आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी या उपस्थितीत हा असा मानस आहे की जिल्हा बँकेमध्ये आम्ही आमची जी लाडकी भगिनी आहे तिला मोफतमध्ये त्या योजनेसाठी खातं काढून देण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्यानंतर जे शेतकरी पीक विमा अजून त्यांनी भरला नाही त्यांना आम्ही मोफतमध्ये पीक विमा भरून देण्याची संपूर्ण कार्य ऑनलाईनसाठी जे काही त्यांना खर्च लागेल तो संपूर्ण खर्च आम्ही आमच्या पक्षाच्या वतीने करण्याचा आमचा मानस आहे व त्यानंतर रक्तदान शिबिर भव्य प्रमाणात येणाऱ्या 21 तारखेपासून आमचे रक्तदान शिबिर होणार आहे. त्यानंतर आमच्या वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत आणि आमच्या समोर सांगितल्याप्रमाणे जी आपला कुपोषित भाग आहे आदिवासींचा आदिवासी समाजाचा आपला धारणी मेळघाट तिथे आमचं महिलांसाठी शिबिर आम्ही आयोजित करणार आहे. त्यासाठी मोठ्या मोठ्या टीम्स आणून तिथं धारणीमध्ये थांबणार आणि काही प्रमाणात आपण प्लेनमध्ये सुद्धा ते योजना राबवणार व त्यानंतर पक्षाच्या पक्षासाठी गावचे शाखा गावचे शिवसैनिक असा आम्ही अभियान राबवणार आहे व सदस्य नोंदणीसुद्धा आम्ही त्या 7 दिवसामध्ये आम्ही राबवणार आहोत. अशा प्रकारे ह्या संपूर्ण भव्य दिव्य कार्यक्रम आमच्या नेत्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये आमचे उद्धव साहेब हे मुख्यमंत्री व्हावे अशी आम्ही जनतेपुढं आणि हे सप्ताह साजरा करून अशी आम्ही अपेक्षा बाळगणार. समीपस्थ मासोद गांव में पटवारी के साथ मिलीभगत करते हुए जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे हड़प लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस सहित जिलाधीश एवं राजस्व आयुक्तों के पास शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा. इस आशय का आरोप आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में जावेद मुस्तफा अब्दुल भाई कोठावाला व हुसैन अशफाक कोठावाला द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में लगाया गया. मासूद 91-1 और 91-5 जिसके मालक अब्दुल्ला भाई मोहसिन अली है और एहसान हुसैन मोहसिन अली है. आखिर क्या इसमें मिली भगत क्या इनलीगल पेपर्स बनाकर कैसे इन दोनों मालक की मूल मालक की प्रॉपर्टी किस तरह हेमंत प्रकाशचंद गोत्रा के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, ये मेन मुद्दा है. और ये कैसे हुआ क्यों हुआ इसकी सखोल चौकसी की जाए और कृपया हमें हमारी प्रॉपर्टी मूल मालक के नाम से वापस ट्रांसफ़र कर दी जाए, ऐसी विनती हम शहर के जिला अधिकारी साहब, तहसीलदार साहब, महसूल पूरा महसूल विभाग, हम इनसे विनती करते हैं कि कृपया इसमें संज्ञान लें और हमें उचित कार्रवाई करके हमें न्याय दिलवाए. प्रमुख आरोप हमारी ये मांग है, हमारी जो ज़मीन ये जो प्रशासन ने जो थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी गलत हो गई है कि उन्होंने पूरे जो छोटे छोटे 7-12 बनाए वो सब इलीगल कैसे बनाए, जबकि एनए ऑर्डर हम 3 जनों के नाम से पास हुआ था, वो एनए ऑर्डर और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए पास हुआ था, ये रेजिडेंशियल पर्पज़ पर कैसा क्या कन्वर्ट हुआ. हमारी मांग है कि ये जो 7-12 है ये पूरे के पूरे रद्द कर दिया जाए और हमारा जैसी ज़मीन थी वैसी हमारे जैसा 7-12 ओरिजिनल था इंडस्ट्रियल लेआउट का वो हमारा वैसे का वैसे. वहाँ पे प्लॉट गिरे क्या? अभी प्लॉट गिरे नहीं है, हमारे ज़मीन हमारे ताबे में है, पूरी ज़मीन हमारी हमारे ताबे में ज़मीन है, उसमें कोई वो नहीं है. वो हमारे आए थे उसके लिए मगर हमने वो किए. डॉक्यूमेंट में फ्रॉड हुआ? डॉक्यूमेंटेशन में हमारा फ्रॉड हुआ है. हमारी प्रशासन से नम्र निवेदन है कि हमारे साथ सहयोग किया जाए, हमारे को और हमारा हमको इंसाफ दी जाए. अंजनगांव बारी ग्रामीण क्षेत्र में अनेक वर्षों से किसान पगडंडी मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए राज्य शासन ने पगडंडी रास्ते के लिए प्रस्ताव भी मंगवाए तथा रास्ते के निर्माण कार्य को मंजूरी भी मिल गई. अंजनगांव बारी निम्बोरा पगडंडी रास्ते का काम पूर्ण होने की मियाद समाप्त होने के बावजूद आज भी अधूरा ही है. इस पगडंडी रास्ते के लिए 23,85,677 रुपए मंजूर किए गए थे, किंतु अभी भी स्थिति जस की तस है. किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए तथा शिकायतें मिलने
देने पर इस काम का निरीक्षण कर संकल्प क्षेत्रीय संगठन के कदम ने किया। इस पगडंडी रास्ते का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। काम अधूरा पड़ा है। प्रशासन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई किंतु काम अभी भी अधूरा है। बारिश शुरू हो गई, किसानों को यातायात हेतु भारी परेशानियां उठानी पड़ेगी। तहसील में बड़े प्रमाण में ऐसे गैर प्रकार शुरू होने के बावजूद भी प्रशासन चुप क्यों है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाए, यह मांग नितिन कदम ने की है। दरियापुर के जेडी पाटिल सांगुलकर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद बलवंत वानखड़े की उपस्थिति रही। इस अवसर पर महाविद्यालय की ओर से सांसद वानखड़े का आदर पूर्वक सत्कार किया गया। इस समय शाला व्यवस्थापन का आभार व्यक्त कर स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। धामनगांव निर्वाचन क्षेत्र के 11 तीर्थस्थलों को ब श्रेणी विधायक प्रताप अड़सड़ के प्रयास से प्राप्त हुई है। इसमें चांदूर रेलवे तहसील के 6 संस्थानों का समावेश है। महायुति सरकार के 2 साल के कार्यकाल में कुल 12 तीर्थस्थलों को ब श्रेणी प्राप्त कराने विधायक अड़सड़ को सफलता मिली है। इनमें से एक पहले तो 11 तीर्थस्थलों को अब 19 जुलाई को ब श्रेणी प्राप्त हुई है। हाल ही में नवनियुक्त मनपा आयुक्त को अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रमुख पदाधिकारी ने उनके कक्ष में चर्चा कर अमरावती मुस्लिम पश्चिम स्लम एरिया ही नहीं तो बल्कि पूरे अमरावती शहर की स्थिति से अवगत कराया। खासतौर पर मुस्लिम पश्चिम परिसर में आज चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। उसी को देखते हुए वाहिद खान ने अपने साथियों से मिलकर 2 मुद्दों पर आयुक्त तीन कलंत्रे को निवेदन सौंप कर समस्या को 2 दिन में खत्म करने का अल्टीमेटम दिया। कोल्हापुर जिले के गाजापुर विशालगढ़ में हुई निंदनीय घटना का निषेध कर इसकी सीबीआई एनआईए द्वारा जांच कर संबंधित दोषी पर कार्यवाही करने की मांग का पत्र कांग्रेस प्रदेश सचिव आसिफ तवक्कल के नेतृत्व में कांग्रेस के अल्पसंख्यक पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा। अमरावती शहर के पश्चिम क्षेत्र के बलगांव रोड स्थित डीएड कॉलेज परिसर का मुख्य मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुका है। परिसर के नागरिकों को आने जाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएड कॉलेज परिसर के आजू बाजू बहुत सी रिहायशी बस्तियां आबाद है। कहकशा कॉलोनी, मेमन कॉलोनी, फिरदौस कॉलोनी, अफराद कॉलोनी, वाहिद नगर, काजियान नगर, इन बस्तियों में रहने वाले नगर वासियों को आने जाने के लिए एकमात्र यह एक ही मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर सुबह से लेकर शाम तक छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियां, स्कूली छात्राओं का इस मार्ग पर आना जाना शुरू रहता है। रोड खराब होने की स्थिति में हमेशा ही दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है, इसलिए इस मार्ग पर कॉन्क्रीटीकरण करने की मांग क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कर देने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के डिब्बे इन ट्रेनों को जोड़े जाएंगे। भुसावल विभाग से गुजरने वाली 37 ट्रेनों में कायम स्वरूपी अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाने का निर्णय लिया गया। इस पर अमल नवम्बर अथवा दिसम्बर 2024 से किया जाएगा। अग्रवाल समाज की ओर से अध्यक्ष विजय केडिया और सचिव अजय चौधरी के नेतृत्व में हाल ही में सीए क्वालिफाई पीयूष रजनीश केडिया का आज सवेरे घर जाकर स्नेहिल सत्कार किया गया तथा परिजनों को बधाई भी दी गई। राजापेट थाना क्षेत्र के केडिया नगर मनपा उद्यान के पास गुरुवार की देर रात घटित रोहित मांडले हत्याकांड में फरार 4 आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं गिरफ्तार 4 आरोपियों को अदालत में पेश कर 25 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि गुरुवार की रात 11:30 बजे के दौरान केडिया नगर के मनपा के सार्वजनिक उद्यान के पास रोहित अमोल मांडले उम्र 23 नामक युवक की सोची समझी साजिश के तहत 9 युवकों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुरानी दुश्मनी के चलते इस कांड को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग रहने से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जबकि सुशील नगर निवासी भूषण वाटकर, नितिन इंगोले, सोनू झांझोटे और चिचपेल निवासी यश काटे पुलिस रिमांड पर है। पुलिस कस्टडी के दौरान रितेश अशोक मेश्राम की मौत के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर विगत गुरुवार 18 जुलाई से मृतक की मां व परिजन ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे थे, जिसकी दखल लेते हुए शुक्रवार को ग्रामीण पुलिस के स्थानीय अपराध शाखा व जनसंपर्क अधिकारी किरण वानखड़े ने पत्र लिखकर मृतक के परिजनों से कहा कि आपकी मांग पर मृतक का अकोला में ऑन कैमरा पोस्टमार्टम किया गया, मगर अभी तक उसके पोस्टमार्टम व विसेरा रिपोर्ट आने की है। रिपोर्ट आने के बाद तुरंत संबंधित इस मामले में जांच के बाद जो दोषी पाया जाता है उन पर बिना विलंब कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर मृतक रितेश के परिजनों ने अपनी हड़ताल वापस ली।
चिकलदरा में आज सुबह 9 से 10 बजे के करीब चिकलदरा मरियमपुर मार्ग के टर्निंग पर दो कारों की जोरदार टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में 24 वर्षीय युवक मोहित पारदी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मोहित पारदी की होंडा सिटी कार विपरीत दिशा से आ रही कार से टकराने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में अन्य 4-5 लोग घायल होने के समाचार है। मृतक सावनेर का रहवासी था। बडाली स्थित पार्थीपुरा में 4 गोह विक्री मामले में शुक्रवार को दूसरे आरोपी को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। नागेश साइने चौहान उम्र 32 पार्थीपुरा बडाली निवासी गिरफ्तार आरोपी का नाम है। बडाली वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय की टीम में यह कार्यवाही की है। वन विभाग ने दी जानकारी के अनुसार बडाली स्थित पार्थीपुरा में 4 गोह बिक्री होने संबंधी टीम ने 2 जुलाई को घटनास्थल को छापा मारा था। इस दौरान एक आरोपी को गोह की बिक्री करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, किंतु इस समय दूसरा आरोपी फरार हो गया था। आखिरकार बडाली RFO हर्षा हरणी की टीम ने फरार हुए दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पूर्व कश्मीर शामराव पवार को गिरफ्तार किया गया है। 2 अफगानी नागरिकों द्वारा वोटिंग कार्ड भी बनवा लेने का भयंकर मामला अकोला के रामदासपेट थाना क्षेत्र में उजागर हुआ है। पुलिस ने आरोपी अमजद लुवंग खान व परवीन लुवंग खान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों विदेशी नागरिक दीर्घ अवधि से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने वीसा के लिए प्रयत्न शुरू किए, आवेदन किया। विशेष शाखा के उपनिरीक्षक सुनील धामोडे ने अजमत और परवीन खान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पड़ताल की तो उनके भारत चुनाव आयोग के मतदाता पहचान पत्र मिले। भारत के नागरिक न रहने पर भी उन्होंने मतदाता कार्ड तैयार करवा लिए। ऐसे में अकोला के रामदासपेट पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है।